बाबू का मालिश चल रहा है और आंटी जी मस्त मसाज कर रही है। तो ये देखो भाई, सालू की दीदी बड़ी दीदी है। सो हेलो फ्रेंड्स, फिर स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो भाई हो चुका सुबह और आप सबको गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मेरा भाई अभी क्या कर रहा है, चूल्हा जला रहा है, क्योंकि इसका ड्यूटी लग जाता है, इसका या फिर मम्मी का ड्यूटी लग जाता है, पहले चूल्हा जलाना है। तो ये देख सकते हैं भाई, जल गया कि नहीं भाई? चलो ठीक है, लेके जा रहे हैं। तो भाई फिलहाल इस वीडियो को ऐसे कंटिन्यू करते हैं, चैनल पर आते हैं, सब्सक्राइब करके पहले घंटा प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता है। वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो में 1000 लाइक कंप्लीट चाहिए ही चाहिए। पता नहीं आप सब कैसे कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन 1000 लाइक हमें कंप्लीट करवा दीजिएगा। वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आज बाबू का हम लोग फेस रिव्यू करने वाले हैं। तो इसी खुशी में 1000 लाइक कंप्लीट होना चाहिए भाई, बताओ 1000 लाइक होना चाहिए कि नहीं? बाबू का फेस रिव्यू कर रहे हैं यार, फेस रिव्यू कर रहे हैं। 1000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। तो भाई बिल्कुल होना चाहिए 1000 लाइक, और 1000 लाइक कंप्लीट आप सबको करवाना है, हमें नहीं पता कैसे करवाएंगे आप सब। तो फिलहाल चूल्हा जल चुका है, इसको अंदर लेके चलते हैं। तो भाई रूम के अंदर आ चुके हैं और मम्मी से पूछते हैं कि भाई आज बाबू का फेस रिवील करने वाले हैं, मम्मी को कैसा लग रहा है? माँ बाबू का आज फेस रिवील करने वाले हैं माँ। तो बहुत खुशी का बात है। अच्छा से दिखा दो। ठीक है, तो आज भाई बाबू का फेस रिवील करने वाले हैं, अभी फिलहाल नहीं दिखा सकते, मैं सभी चाय पीने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आंटी जी मसाज कर रही हैं बाबू का भी और सालू का भी। मसाज बहुत ज्यादा जरूरी है, आप जानते हैं भाई, मसाज बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल मैं थोड़ा चाय पीते हैं, उसके बाद दिखाएंगे। ठीक है। तो चलिए भाई, चाय बन गया? नहीं, बना रहा है भाई। बना रहा है अभी अपना चाय, थोड़ा बचा तो पीने जा। अरे यार, हमारे लिए अदरक वाली बनाओ भाई, अदरक वाली। तो ये मस्त, जब हम सो के उठते हैं तब हम बोलते हैं भाई को अदरक वाला या फिर वैष्णवी या फिर मम्मी, तीनों लोग में से कोई ना कोई चाय मेरा मस्त बना देता है। तो अभी चाय पियेंगे पहले। तो भाई अभी मम्मी आगे के पास बैठ के मस्त सब्जी वगैरह काट रही हैं। तो ये देख सकते हैं भाई, एटा की बोले माँ, एटा की बोले एटा? उसको गांठ गोभी बोलते हैं। गांठ गोभी। तो भाई ये गोल गोल पता नहीं क्या, इसका भुजिया बहुत अच्छा लगता है, गांठ गोभी बोलते हैं। और आंटी जी सालू का सर में मसाज कर रही है मस्त। आंटी को हाय करिए ऐसे। तो सालू मसाज ले रही है मस्त एकदम। बाबू जल्दी जल्दी मसाज करवा लो, आज मेरे बाबू का फेस रिव्यू करना है। ठीक है। और मम्मी आग के पास बैठ के भाई देखो, ये देखो आग जल रहा है, और इधर नहीं, दुल्हन बना के तैयार नहीं करना है, बस फेस रिव्यू करना है। आज हमने सबको बताया हुआ है कि 1000 लाइक आना चाहिए। इसी वजह से आज जल्दी जल्दी फेस रिव्यू करना है बाबू का, बस बाबू के लिए लाइक आना चाहिए, बाबू के लिए लाइक आना चाहिए बस। हाँ, तो फिलहाल अभी सब्जी, भाई चाय बना कि नहीं बाबू? भाई हाँ जल्दी चाय बनाओ यार, सुबह से मैंने भाई अभी तक चाय नहीं पिया, सो सकते हैं। तो भाई बहुत बड़ा भगुना में हमारे घर में चाय बन रहा है, ये बना कौन रहा है पहले बताओ, इतना बड़ा भगुना में? ये नहीं बना। वैष्णवी? तो ये वैष्णवी इतना बड़ा भगुना बना रहे हो, अभी अदरक को पीस रही भाई, क्योंकि इसको पता है भैया और मेरा छोटा वाला भाई, भैया मतलब हम और ये इसका हस्बैंड है, तो इसको भाई चाय चाहिए अदरक वाला, और हमें भी अदरक वाला चाय चाहिए, क्योंकि हम लोग अदरक वाला चाय ही पीते हैं और मजा आता है पीने में। तो फिलहाल अभी चाय बन रहा है भाई। तो भाई अपना चाय हो चुका है रेडी, पहले मम्मी को और आंटी जी को देते हैं, उसके बाद फिर हम मस्त पियेंगे चाय। अरे भैया खुल जाओ सिम सिम, हमारे घर में क्या है ना, अंदर आग जल रहा है इसीलिए जो है कि। हेलो मां, चाय लो, ये चाय चाय लो, और आंटी जी को दे दो, आंटी जी को भी। अभी बाबू का मालिश चालू हो गया है, जैसे मालिश कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर फेस वो करते हैं बाबू का। तो ये देखिए भाई, अभी बाबू का मालिश चल रहा है और आंटी जी मस्त मसाज कर रही है। और कितना अच्छे से मसाज करवा रहा है देखिए। तो चलिए पहले इसको शांति से मसाज करते हैं, मतलब हम नहीं कर रहे, आंटी जी कर रही हैं। अब वो समय भी आ चुका है जब हम लोग जा रहे हैं बाबू का फेस रिव्यू करने के लिए, तो बजाओ ताली। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाबू का फेस रिव्यू करने के लिए, आप लोग भर भर के कमेंट में आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, पहले आप लोग देखिए बाबू को। तो ये देखो, छोटा यूट्यूबर, छोटा ब्लॉगर। तो भाई कुछ बोल रहा है, भाई क्या बोल रहे हो? छोटा ब्लॉगर, छोटा ब्लॉगर, छोटा ब्लॉगर। आज ले जाएगा, ब्लॉगिंग सिखाइएगा, ब्लॉगिंग सिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं अभी टुकु टुकु ताकता बाबू। माँ कुछ बोलना चाहते हो? माँ कुछ बोलना चाहते हो? आज पहले मुख दिखा रहे हैं ना, सबके भर भर का आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि मेरा बच्चा बड़ा होके कुछ करे जिंदगी में। हाँ भाई, जिंदगी में तो बहुत कुछ करना है, जैसे
मेरी मम्मी हम लोगों को संस्कार सिखाई है, उसी तरीके से हम लोग पूरा कोशिश करेंगे हम और सालू मिलके। बाकी अभी दादी तो है ही है संस्कार देने के लिए, जो हम लोग को मिला है वो अपने अपने नाती को भी देगा। तो ये देख सकती है पोता, सॉरी पोता, नाती के प्यार दीजिएगा मेरे बच्चे को जैसे आप इनको देते हैं। जैसे इनको देते तो कोई नहीं भाई, आप लोग आशीर्वाद दीजिए भर भर के। और बाबू का फेस रिव्यू मैंने फाइनली कर दिया, तो ये फिर से एक बार दिखा देते हैं। बाबू हाय बोलो, बाबू ऐसे लाइट ऐसे लाइट पड़ा है ना इसी ऐसे हाय बोलो, एक बार हाय बोलो। तो भाई जैसे ही लाइट जलेगा इसके आँख में तो चुप हो जाता है। साइड से दिखाते हैं आप लोगों को, अभी देखिएगा, देखिए धीरे धीरे देखिए, आँख खोल के देखता है टुकुर टुकुर, उसके बाद जब इसके आँख में लाइट दिखाएंगे तो आँख बंद कर लेगा, फिर खोलेगा, फिर बंद कर लेगा, ऐसे ऐसे करता है। तो ये देखिए अभी भूख लगा बाबू को, तो बाबू को भूख लगा, इसको अभी दूध पीना है बाबू। तो फिलहाल आप लोगों से बातें करते करते और बाबू का फेसबुक कर दिया, लाइक करिएगा, 1000 लाइक इसमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम बाबू को मैंने दिखाया है। और भर भर के आशीर्वाद दीजिए आप लोग कि मेरा बाबू अच्छा खासा बड़ा हो जाए और तंदुरुस्त बॉडी शॉडी बना के मस्त एकदम। वही मेरा बाबू मस्त दूध अगर पी के सो गया है तो आप लोग को दिखाते हैं, पहले डिस्टर्ब करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मजा आता है भाई डिस्टर्ब करने में। ये देखिए ये सोया है इधर अंदर, सोया है बाबू, ओलोले ऐसे ही बोलते हैं लल्ले। और मम्मी देखते हैं भाई क्या कर रही है। माँ माँ की कुर्चो बॉटम दुच्छो बेटा, बॉटम दुच्छो। तो भाई मार काज एक टू बेसी हो गया छे, क्योंकि भाई मम्मी काम थोड़ा ज्यादा हो गया इस टाइम, क्योंकि सालू थोड़ा बीमार है, वैष्णव भी थोड़ा सा बीमार है, इसीलिए। तो ये सब्जी मेरे घर में तैयार हो रहा धीरे धीरे। ये कौन सी का सब्जी? अच्छा वो जो ओल गोभी काट छिले, तो भाई ये ओल गोभी का भाजा बहुत ही टेस्टी लगता है, और इधर भात बन रहा है और इधर बन चुका है दाल। इसमें क्या जी? इसमें खिचड़ी है। हिंदी ते बोले गांठ गोभी, और बांग्ला ते की बोले ओल कॉफी, बांग्ला ते बोले। तो फिलहाल भाई काम करने देते हैं, हमने चाय नहीं पिया, चाय सब खत्म कर दिए पी के। यार एक बात बताओ, हमको हमको चाय नहीं मिला, उड़ गया क्या बताओ, उड़ गया। तो हम बाबू को उठा दिए, सालू गुस्सा हो रही है। फिलहाल बाबू को चुप कराते, नहीं सो गया सो गया, चुप रहो चुप रहो, सो गया सो गया। हाँ वो उड़ा दे रहे, उड़ा दे सकते हैं। पापा बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, ये झाड़ू लगा रहे हैं। क्या करे भाई क्या करे, देखो भाई ये बाबू का मेरा डायपर। देखो भाई सालू बीमार है, बैठने बीमार है, मम्मी हम छोटा वाला भाई सबको मिलकर काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सालू दवाई मस्त फिनिश कर रही है अपना, बहुत ज्यादा दवाई है भाई, आप लोग देखिए इतना सारा। कौन सा खाना, ये वाला, ये वाला। हम खुद ही भूल जाते हैं कौन सा कब खाना है। भूल जाती हो इतना ज्यादा। अच्छा अभी तबीयत बताओ, आराम है कि नहीं थोड़ा सा? पहले से आराम है ना। चलो भाई सुन के खुशी हुआ, क्योंकि भाई तबीयत में आराम होना चाहिए, पहले से धीरे धीरे बेटर होना चाहिए। फिलहाल मम्मी क्या कर रही है? मम्मी माँ माँ अभी कपड़ा धो रही है मेरे बाबू का और सालू का भी। ठीक है दो बेटा। तो इतना सारा इधर है भाई, इतना सारा इधर है। तो फिलहाल हमें लग चुका है भूख, और आज हमारे साथ सबको ही मिलके बहुत बदमाशी किए हैं, मेरा चाय फिनिश कर दिया, हमें चाय नहीं मिला पीने के लिए। गाइस क्या ही बताया आप सबको, छोटी और मेरा भाई और सबको ही आज बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है सब एक दिन के लिए। झाड़ू लगवाए पता नहीं कितना साल बाद, ये झाड़ू और पोछा लगाया मैंने। क्या करें भाई, करना पड़ेगा ना। देखो भाई घर पे कोई एक बीमार रहता है तो सबको मिल के जब एकजुट हो जाते हैं ना तो वो काम बहुत छोटा सा लगता है। तो भाई अभी हो चुका है शाम और मस्त खा पी के सो गए थे दोपहर को, और भाई सुबह तो अपने को चाय मिला नहीं पीने के लिए, लेकिन अभी शाम को चाय मिल चुका है। मम्मी हाथ में लेके बैठी है, कितना क्यूट लग रहा है, स्माइल स्माइल लिखा भी इसमें हुआ है। तो ये देख सकते हैं भाई अपना भी चाय इधर लग चुका है, और छोटा वाला भाई चाय पी रहे हो क्या? हाँ भाई। तो भाई पूछना ही बात, ये भाई चाय के लिए तो पागल रहता है ना, अगर कुछ भी जरूरी काम हो गया अगर बोल दिए इसको कि चाय बना है पीना है, हमको पीना है निकाल के दो अभी तुरंत, मतलब इतना बड़ा आशिक है चाय का। खैर ये मेरा चाय है और पहले पीते हैं इसको। भाई देख रहे हैं सालू क्या कर रही है, क्या कर रहे बाबू, चाय पी रही हो? तुम चाय पी रही हो ना? तो ये देखिए चाय पी रही है। फोन बाबू क्या हुआ, सोया है क्या बाबू? इसको डिस्टर्ब मत करो, एकदम मत करो, नहीं तो तुमको डिस्टर्ब कर देगा। करेगा ना रात में, रात में करेगा ना। तो चलो बाबू हम जा रहे कोयला लेने के लिए, कोयला खत्म हो गया जानते ही हो। तो भाई कोयला सुबह सुबह खत्म हो चुका है, और थोड़ा सा कोयला बचा था वो मैंने जलाया हुआ था इधर, तो खत्म हो चुका है। फिलहाल रात को जरूरी है क्योंकि बाबू को थोड़ा सा गर्म चाहिए, सालू को भी इस समय जरूरी है कोयला, और फिर हम सो भी रहे हैं घर पे ही, मतलब नीचे सो रहे हैं, फिर हमें भी जरूरत है क्योंकि ऊपर भी सोने ही रहे। तो हम जाते हैं भाई के साथ में लेके आते हैं कोयला।
तुम्हारा दवाई ना, दवाई भी लेके आएंगे यार, तो सालू का दवाई भी लेके आना है। अभी पहुंच चुके हैं कोयला के दुकान पे, तो कोयला ले रहे हैं अभी, देख सकते हैं भाई मेहनत कर रहा है इधर, बेलचा से भर रहा है। बस बस बड़ा वाला ज्यादा बड़ा बड़ा मत, इतना बड़ा ठीक है, ये देख सकते हैं भाई टूट जाएगा ना। हाँ चलो चलो ठीक। कोयला खरीदने के बाद फिर पहुंच चुके हैं मेडिकल स्टोर में, और दवा लेना था सालू को, जैसे कि पता है भाई दवा भी ले लिया मैंने, तो चलिए भैया पैसा दे दीजिए। सालू पेशेंट का नाम है सालू, तो दवा ले लिया फिर निकलते हैं घर पे। कोयला अगर लेके दवाई अगर लेके आ चुके हैं घर पे, और ये देखिए ये भाई। और हम जा रहे हैं समोसा खाने, मार्केट से मस्त लेके आए हुए हैं चटनी समोसा, तुम भी खा लो एक पीस। नहीं हम नहीं खाएंगे। नहीं खाओगे? गैस हो रहा है। अच्छा गैस हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, तो पहले सो करते हैं फिनिश, अभी बहुत सारा काम है भाई आपके भाई को। घर पे ऐसे ही बैठे हुए थे और अभी रात का 9:30 बज रहे हैं, तो सालू का दीदी का कॉल आया हुआ है, बाबू को देख रही है दीदी लोग सबको मिलके, तो ये देख सकते हैं मेरा बाबू इधर, मेरा बाबू क्या नहीं दिखा है इतना फ्लैश लाइट। अच्छा लाइट नहीं जलाना है, तो सालू बोले कि इतना फ्लैश लाइट नहीं जलाया जाता है, कोई नहीं। तो कौन है दीदी? खुशबू। खुशबू का कैमरा कैसा हो गया जी? खुशबू कैमरा अपना पूछो बाबू। कैमरा मेरा ना आगे खराब है, पीछे से देखिए। हाँ हाँ ये देखो, हाँ तो ये देखो भाई सालू की दीदी बड़ी दीदी है। दीदी हाय करिए। ये भांजी है सालू की भांजी, ये देखिए आप लोगों को देखिएगा। चलो लो बात करो। तो भाई अभी क्या है ना कि खाने पीने का प्लानिंग चल रहा है, देखते हैं कब खाना पीना हम लोग का तैयार होता है घर पे और कब खाना पीना हम लोग खाएंगे। तो भाई रात का 10 बज चुके हैं और हम लोगों ने सबको खाना वगैरह खा लिया, बाबू ही मस्त हो गया है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, हमारा भाई नीचे बिस्तर लग चुका है, अभी तो सालू के पास बैठ के वीडियो को एडिटिंग करने जा रहे हैं। तो फिलहाल भाई इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप कि आप सबको मिलकर इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, लव यू गाइस, टाटा।